बच्चों, आज के ये स्टोरी टेलिंग सेशन में मैं आपको तेनालीरामन और दो चोर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गर्मी की रात थी, तेनालीरामन और उनकी पत्नी सो रहे थे। तभी तेनालीरामन ने बाहर की ओर से पेड़ के पत्तियों की एक सशक्त आवाज सुनी। उस समय थोड़ी सी भी हवा नहीं चल रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि जरूर कुछ चोर झाड़ियों में छुपे होंगे और उनके घर को लूटने की योजना बना रहे होंगे। तेनालीरामा ने एक योजना के बारे में सोचा और अपनी पत्नी को जगाया और उनसे कहा कि मैंने सुना है कि कुछ कुख्यात चोर हमारे पड़ोस में रहने आए हैं, तो हम सभी गहने और धन को हमारे घर के बाहर के कुएं में छिपा देते हैं। थोड़ी देर के बाद तेनालीरामा और उनकी पत्नी एक बड़े संदूक को लेकर घर से बाहर निकल पड़े और उसे कुएं में गिरा दिया। फिर वो घर के अंदर वापस चले गए और सो जाने का नाटक कर रहे थे। चोर ये सब देख रहे थे और तेनालीरामा और उनकी पत्नी के घर में जाने के बाद कुएं से पानी निकालने लगे, जिससे कि वो कुएं में डाला हुआ सोना निकाल सके। वे कुएं को अच्छी तरह से खाली करने और खजाना पाने की आशा रखते थे। चोर पूरी रात पानी बाहर खींचते रहे। सुबह होते वे बर्तन को बाहर निकालने में कामयाब रहे और जब उन्होंने उस संदूक को खोला तो वे बहुत ही चौंक गए और निराश हो गए, क्योंकि उसमें तो केवल बड़े बड़े पत्थर ही थे। चोर समझ गए कि यह तेनालीरामा की योजना थी। बस तब तेनालीरामन अपने घर से बाहर निकले और उनसे कहा, मेरे दोस्तों को धन्यवाद मेरे पौधों को पानी देने के लिए। मुझे आपके श्रम के लिए आपको भुगतान करना होगा। और वहां से वो दोनों चोर उसी क्षण रफू चक्कर हो गए। तो देखा बच्चों, तेनालीरामन ने कैसे अपनी चतुराई से अपना बागान में पेड़ों को पानी भी डलवाया और चोरों से अपने धन को भी बचाया। तो ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गंभीर परिस्थितियों में भी अपनी बुद्धि का उपयोग करके हर मुसीबत से हम बाहर निकल सकते हैं।